हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सेलिब्रिटी अपडेट एआरएस। सो गाइस, नागिन सिक्स के डायरेक्टर तेजस्वी प्रकाश पे एंड नागिन सिक्स के टीआरपी पे क्या बोले, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दीजिए लाइक। सो गाइस, नागिन सिक्स के डायरेक्टर नागिन सिक्स के टीआरपी पे कहते हुए नजर आए कि नागिन सिक्स का टीआरपी उम्मीद से कम आ रही है एंड जो नागिन वन एंड नागिन थ्री का टीआरपी मिला था उतना नहीं मिल पा रहा है। एंड तेजस्वी पे कहते हुए आए नज़र कि तेजस्वी प्रकाश रेडी होने में थोड़ा टाइम लेती है लेकिन अपना सब काम अच्छे से कर लेती है। सो गाइस, और क्या क्या बोले, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। इस बार पहली बार ऐसा है जब नागिन देश का रिवेंज ले रही है, देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ रही है, तो थोड़ा ये पैट्रियोटिक सब्जेक्ट हो चुका है इस बार और हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कितना काम करता है। अभी तक सब कुछ ठीक है, नेट पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा टीआरपी अभी हमारी उम्मीद से कम है बट इस वीक में मेरा बढ़ा है, तो हम बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं 2 से 3 वीक में हम आ जाएंगे 2-3 पे। हम 1 पे आने की कोशिश करेंगे नागिन 3 और नागिन 1 की तरह। बहुत अच्छी है, वो बहुत मेहनत करती है, बहुत शार्प है, थोड़ा रेडियो होने में टाइम ज़्यादा लेती है लेकिन समय से काम कर लेती है। मतलब उसको हम लेडी गोविंदा कहते हैं कि मतलब सेट पे आके वन शॉट फिनिश करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सीन फटाफट करती है वो और सिंसियर है। हाँ, थोड़ा आने में डिले करती है, मेकअप में सुबह थोड़ा सा आने में लाइट टाइम लेती है बट फटाफट काम कर लेती है, तो बहुत अच्छी लड़की है, मेरे लिए मेरी बच्ची जैसी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, एकता कपूर शायद करण को अभी बिजी रखी है तो वहाँ से जब तक फ्री नहीं होगा तब तक शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं करण मेरा ही बच्चा है, मैं तो चाहूँगा कि करण और तेजस्वी दोनों साथ में आए, हम बहुत जल्दी उसको साथ में लाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। थैंक यू जी, थैंक यू।